Yo, what's up guys, once again welcome back to another new video। और आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक मोंटेज थंबनेल का ट्यूटोरियल। एंड आज की वीडियो में आपको कुछ इसी तरीके का थंबनेल एडिट करके बताने वाला हूँ। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों ने क्या करना है, CSS एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाना, सर्च करना RNKTech, तो वहाँ पे मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ से आपको CSS एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इस ऐप को सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन टैप मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका अमाउंट लिखना है ऊपर 19 पीस और नीचे लिखना है आपको 10 8। इसके बाद आपको सिंपली ओके पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, इधर लेयर पे क्लिक करना है एंड प्लस पे क्लिक करना है। फिर आपको फोटो वाला इमेज पे क्लिक कर देना है। एंड आपने जो भी यहाँ पे जिसका भी थंबनेल बना रहे हो उस वाले इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड फिर आपको यहाँ पे एफएक्स में जाना है, फिर टिंट पे जाना है। टिंट पे जाने के बाद आपको लुमेंसिटी को 0 करना है और कलर पे जाना है। और यहाँ आपको HSB पे जाके आपको इसका सैचुरेशन फुल करना है और ब्राइटनेस को अप करना है 70%। बाद आपको एफएक्स में जाना है, फिर आपको डायरेक्शनल ब्लर दे देना है और इसका अमाउंट रखना है आपको 3। एंड आपको इधर आपको साइज रखना है इसका 20%। बाद आपको यहाँ पे एक इमेज ऐड करना है, जो भी हमने PNG बनाया हो होता है कैरेक्टर का, उसे ऐड करेंगे। इसे भी थोड़ा सा प्रॉपर एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसको सिंपली राइट करना है। एंड फिर गाइस आप लोगों ने यहाँ पे प्लस आइकन पर टैप करना है और आपको यहाँ पे एक मैं पार्टिकल दे दूंगा ये वाला, देखिए ये जो विंग वाला PNG आपको ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इसको प्रॉपर कैरेक्टर के पीछे आपको इस तरीके से सेट करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद राइट करना है, फिर आपको यहाँ पे जो कैरेक्टर है इसको सिंपली उस PNG के ऊपर ला लेना है और दोनों को मर्ज कर देना है। यहाँ पे क्लिक करके मर्ज डाउन, और दोनों मर्ज हो चुके हैं। अब इसके डुप्लीकेट करना है और नीचे वाले लेयर पे आना है और आपको यहाँ पे सेलेक्ट पिक्सल्स करना है। एंड वाले टूल पे जाके इसके कलर आपको फिल कर देना है ग्रीन वाला, और सब चीज़ आपको प्रॉपर करना है और आपको डीसेलेक्ट कर लेना है इसको। एंड फिर आपको इफेक्ट्स में जाना है, फिर आपको ग्लो पे जाना है। एंड आपको यहाँ पे इस तरीके से इसे ग्लो दे देना है। अब आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इसको स्पेरी टूल जाना है और आपको यहाँ पे इम्पेटी लेयर लेके स्पेरी टूल को यहाँ पे ड्रॉ करना है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। एंड कलर भी आपको सेम ग्रीन ही रखना है और कैरेक्टर के ऊपर आपको जहाँ पे भी ग्लो चाहिए वहाँ पे ऐसे सिंपली ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पे साइज कुछ बड़ा है, तो हम यहाँ पे एक ब्रश पे क्लिक करेंगे और इसका साइज हम कर देंगे 10 के पास। एंड आप अभी ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे देखो कैरेक्टर के ऊपर कुछ इस तरीके से आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये सब चीज़ें काम एम्प्टी लेयर में करेंगे, तो हम एम्प्टी लेयर बना लेना, बाकी यहाँ पे दिखाने होगा तो आपको बनाना है। ठीक है, और फिर आपको सिंपली यहाँ पे जहाँ पे भी ग्लो चाहिए वहाँ पे कर लेते हैं, बाकी ये चीज़ मैं फटाफट से कर लेता हूँ। एंड इसके बाद आपसे बात करता हूँ। ठीक है, पे क्वेश्चन ब्लर आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर और इसका अमाउंट कुछ इतना रखना है। एंड आपको यहाँ पे लेयर पे जाना है और लीनियर डॉज ऐड कर लेना है इसको। एंड दोबारा से आपको क्वेश्चन ब्लर में जाके यहाँ पे इसको थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा लेना, थोड़ा सा आपको जैसा सही लगता है, एंड ऐसा कर लेना। एंड यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया काम। अब देखो ऐसे ऊपर वाले लेयर को आपको दोनों को मर्ज कर लेना है। अब मर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे डन करना है और फिर आपको प्लस आइकन टैप करना है। और अभी आपको कुछ ये वाला इफेक्ट, मतलब ये बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे ऐड करा है, ये भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, एंड इसको ऐड करने कुछ इस तरीके से। अब मैंने इसे कर दिया, इसके लेयर पे क्लिक करेंगे, लीनियर डॉज कर देंगे और इसको टिंट पे जाके हम इसे ग्लेयर कर देंगे, ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा इसे और ट्रांसफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा कैरेक्टर के बीच में आना चाहिए। को आपको क्या करना है, कैरेक्टर के पीछे ला कर रख देना है। एंड फिर गाइस अभी आपको प्लस आइकन पर टैप करना है और आप यहाँ और भी चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि मैं पत्तियाँ वगैरह ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड में।
सर्च कर लेना इसके इफेक्ट्स में, एंड इसको गॉसियन ब्लर ऐड करना है थोड़ा सा, यहाँ पे ब्लर आपको करना है कुछ ऐसा, और इंटेंसिटी को थोड़ा सा कम करना है, और आपके डुप्लीकेट करके इसे आपको ट्रांसफॉर्म में जाके से नीचे साइड पे आपको ड्रैग करके रख देना है कुछ ऐसा। फोटो लेयर पे जाएंगे एंड फिर आपको यहाँ पे एक मिल जाएगा कुछ ये वाला, इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है इसको। इसको जाना और थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेना साइज बड़ा, एंड थोड़ा सा बड़ा नहीं चाहिए हमें, छोटा चाहिए ठीक है। पहले इसका लीनियर डॉज कर लेंगे एंड फिर इसको ट्रांसफॉर्म में जाके कैरेक्टर को पहले सेट कर देंगे। पहले यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। अब गाइस इसका साइज आपको इंक्रीज करना है थोड़ा सा, मतलब पहले इसको कट कर लेंगे ठीक है। इसको अलग अलग पार्ट में करना है इस टेक्स्ट को, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस तरीके से ट्रैक करेंगे, थोड़ा सेलेक्ट नहीं हुआ अच्छे से, थोड़ा सा अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे, पूरा टेक्स्ट आना चाहिए। टेक्स्ट करने के बाद इसे कट करेंगे, फिर आपको पेस्ट कर देना दोबारा से, एंड इसका साइज हमें इंक्रीज करना है थोड़ा सा बड़ा करना है। तो यहाँ पे एक्स ट्रैस मिलेगा एक नीचे ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने पर लॉक एंड वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको बड़ा कर लेना। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट पिक्सल्स करना है एंड एन वाले टूल पे जाके आपको इसे बेवल देना। बेवल हम कर लेते हैं यहाँ पे इसका 45% इसका एंगल देंगे, और ब्लर वगैरह आपको ऐड रखना है, डिस्टेंस आपको 4 रखना है बस। आपको थोड़ा सा ब्लर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एंड इसके बाद आपको जाना है इधर यहाँ पे एंड कर्व टूल पे आके आप यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से आपको कर्व दे देना। अब इतना करने के बाद आपको फिर से एन वाले टूल पे जाना है ठीक है। तो इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं ऐसा, है ना। एन वाले टूल पे जाएंगे, नहीं सॉरी, इफेक्ट में जाएंगे एंड बेबल में जाएंगे, और ब्लर को थोड़ा सा वही रहेंगे, बस एंगल को आपको चेंज करना है। यहाँ पे करना है 135 एंड फिर आपको फिर से वहीं पे कर्व पे जाना है और कर्व पे सेम वैसे ही देना है, और फिर से आपको वो बेबल में जाना है और आपको वहीं सेम वाला एंगल जो है 45 कर देना है ठीक है। पहले 45 करा, फिर 135 करा, फिर से आपको 45 करना है और फिर से आपको कर्व दे देना है। बस आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया टेक्स्ट का। एंड भी थोड़ा बस आप कलर चेंज करना चाहते हैं, टेंट में जाएगा और इसका कलर हम कुछ ही कर देंगे ठीक है। येलो टर्क कर थोड़ा सा डार्क रखना चाहते तो भी कर देना, बाकी इतने से ही है ठीक है। और इंटेंसिटी को 100 करना है और बस आपका टेक्स्ट का काम हो गया। और थोड़ा बहुत हम यहाँ पे ग्लो वगैरह ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमें एक एम्प्टी लेयर लेनी होगी, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं ठीक है। और फिर हमें एक स्पेरी टूल लेना है, और यहाँ पर कलर भी आपको स्पेरी टूल का पूरा ग्रीन ही रखना है, और कुछ यहाँ पे जहाँ पे आपको ग्लो चाहिए टेक्स्ट के ऊपर वहाँ पर इसे ड्रॉ कर देना है, और आपका यहाँ पे हो जाएगा वहाँ पे ग्लो। तो कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये चीज़ कर लेते हैं। देखो ये इतना काम हो चुका है। अभी आपको लेयर पे जाना है और नीचे टेक्स्ट वाले लेयर पे क्लिक करना है ठीक है। पहले इसका लीनियर डॉज करेंगे और गॉसियन ब्लर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग 20%, थोड़ा इतना इनफ है। और यहाँ पे जाएंगे और नीचे टेक्स्ट पे सेलेक्ट पिक्सल करेंगे, और इसके जाने दोनों में सॉरी क्या कर मैंने, तो सेलेक्ट पिक्सल करना है नीचे टेक्स्ट का, और ऊपर वाले में आपको जाना है और इसके साथ आपको दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। देखो दोनों में कैसा आ चुका है। तो दोनों को मर्ज करेंगे पहले ठीक है, दोनों को मर्ज डाउन कर दिया, अब दोनों मर्ज हो चुकी है। एंड इफेक्ट्स में जाना है और ड्रॉप शैडो, अब देखो और से दोबारा से और एक कर देना है ड्रॉप शैडो, और थोड़ा सा ब्लर वगैरह इंक्रीज कर देंगे। इतना करने के बाद अभी आपका काम कंप्लीट हो चुका है इस टेक्स्ट का। सेम ऐसे ही हम नीचे वाला टेक्स्ट का भी काम करेंगे। अब इस टेक्स्ट का काम तो हो चुका, अब नीचे ट्यूटोरियल जो लिखा है इसका काम रह गया है। तो इसके लिए हमें इफेक्ट्स में जाना है, फिर से आपको बेवल में जाना है, और आपको यहाँ पर सेम जो हमने टेक्स्ट पिछली वाले टेक्स्ट पे करा है थंबनेल वाले टेक्स्ट का, वैसे ही आपको इसमें भी आपको कर्व में जाना है, बेवल देना है, फिर यही काम है। थोड़ा सा आपको वही एंगल वगैरह चेंज करना है 135, और बस आपका यही काम बचा है। और आपको यहाँ पर इतना ही काम करना है,
और इसके बाद आपका टेक्स्ट में काम बन जाएगा। और इसमें थोड़ा सा ग्लो वगैरह ऐड करना है, तो इसके लिए हमें इम्प्रिंटी लेयर लेना होगा और यहाँ पर हमें ड्रॉ करना होगा टेक्स्ट के ऊपर जहाँ पे अभी हमें ग्लो चाहिए। तो सेम प्रोसेस है, वैसे ही करना है यहाँ पे भी, और साइज़ वगैरह डिक्रीज कर देना क्योंकि टेक्स्ट हमारा छोटा है, तो साइज़ भी हमें छोटा ही रखना है, ठीक है। एंड बस यार इतना ही रह गया आज की वीडियो में। एंड हाँ, तुम्हें अगर इस तरीके को और भी वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके, मैं और भी वीडियोस लेकर आने वाला हूँ थंबनेल के ऊपर। एंड हाँ, जिनको भी पी एस टेस्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताओ, भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा थोड़ा और अच्छे से बताओ, तो मैं और थोड़ा धीरे धीरे बताने का ट्राई करूँगा। एंड यार देखो, तुम कमेंट नहीं कर रहे हो आजकल, तो कमेंट करो जल्दी जल्दी। एंड हाँ, जिस भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए जल्दी जल्दी बताओ, मुझे यार टॉपिक समझ में नहीं आ रहा इसलिए वीडियो नहीं आ रही, बाकी बताओ जल्दी जल्दी, मैं आपके लिए बता के रखूँगा वीडियो ट्यूटोरियल। तो बस आज के लिए बस इतना ही था, एंड ये कुछ इस तरीके से बन चुका है वीडियो। एंड उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये थंबनेल ट्यूटोरियल। एंड वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टाटा बाय बाय।